हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2005 में आई मूवी जहर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गोवा की नाइट पार्टी से, जहाँ पर एक आदमी ड्रग्स बेच रहा था। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर सिद्धार्थ आता है और उस आदमी और उसकी टीम को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर सिद्धार्थ ने काफी सारा कोकेन पकड़ लिया था, साथ ही उनके पास से उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिले थे। वो पैसे लगभग 87 लाख रुपीज थे। सिद्धार्थ वो सारे पैसे और ड्रग्स लाकर अपने ऑफिस में रख देता है। उसका एक फ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहा था कि चलो ये पैसे लेकर भाग जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ इस बात पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत ही ईमानदार ऑफिसर था। अब सिद्धार्थ ने इतना सारा माल पकड़ा था जिसकी वजह से हर तरफ उसी की न्यूज आ रही थी। सब लोग इससे काफी ज्यादा खुश थे, इसलिए उसके कलीग्स उसे पार्टी देते हैं। लेकिन वहां पर सिद्धार्थ अपनी वाइफ सोनिया को मिस कर रहा था। सिद्धार्थ का फ्रेंड उसे कहता है कि वो जाकर सोनिया से बात करे, लेकिन सिद्धार्थ इस बात पर भी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर हमें सिद्धार्थ और सोनिया के बारे में पता चलता है। एक्चुअली सोनिया सिद्धार्थ की वाइफ थी और कुछ टाइम पहले वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो सिद्धार्थ पर काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि सिद्धार्थ उसे टाइम नहीं देता था। वो जब चाहे तब घर आता और जब चाहे तब घर से चला जाता, और इस बात से सोनिया काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। सोनिया भी पहले एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन शादी के बाद उसने जॉब छोड़ दी ताकि वो घर संभाल सके। लेकिन सिद्धार्थ शादी के बाद बहुत ज्यादा बदल गया, वो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था, इसलिए सोनिया ने अबॉर्शन करवा लिया। और ये बात जब वो सिद्धार्थ को बताती है तो सिद्धार्थ उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। तब से सोनिया घर वापस नहीं आई और ना ही सिद्धार्थ उसे मनाने के लिए गया है। अब सिद्धार्थ काफी ज्यादा परेशान था और वो अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे एक ऐना नाम की लड़की दिखाई देती है जो काफी ज्यादा नशे में थी, इसलिए सिद्धार्थ उसे घर छोड़कर आ जाता है। दूसरे दिन सिद्धार्थ जब ब्रेकफास्ट करने के लिए गया था तो वहां पर एक सेन नाम का बंदा आता है। एक्चुअली सेन एक ड्रग डीलर था और वो दुबई चला गया था, लेकिन एक महीना हो गया वो वापस गोवा आ चुका है। सिद्धार्थ उसे वार्न करता है कि यहाँ पर वो अपना फिर से बिजनेस स्टार्ट ना करे, नहीं तो इस बार वो उसे पकड़ लेगा। सेन कहता है कि अब उसने ये सब काम बंद कर दिए हैं। तभी वहां पर सेन की वाइफ आती है। एक्चुअली ये और कोई नहीं बल्कि ऐना थी। सिद्धार्थ जब ऐना को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ऐना सेन जैसे की वाइफ हो सकती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सेन ऐना को काफी डरा कर रखता है। वो उसे काफी डांटता है और ये देखकर सिद्धार्थ काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वहां पर वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद सिद्धार्थ पुलिस स्टेशन जाता है तो वहां पर एक ड्रग डीलर आया था। एक्चुअली ये वही डीलर था जिसका माल सिद्धार्थ ने पकड़ा था। वो सिद्धार्थ को ऑफर देता है कि वो उसका माल वापस लौटा दे और जितनी भी कैश उसे मिली है वो उसे अपने पास रख दे, लेकिन सिद्धार्थ उसे वहां से भगा देता है। सिद्धार्थ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए जेम्स उसे समझाता है कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जब से सोनिया गई थी तब से सिद्धार्थ काफी ज्यादा गुस्से में रहने लगा था। उस रात भी सिद्धार्थ काफी वक्त तक रुकता है, तभी उसे ऐना का कॉल आता है। ऐना सिद्धार्थ को बताती है कि शायद उसके घर में कोई घुस आया है, इसलिए वो सिद्धार्थ को मदद के लिए बुलाती है और सिद्धार्थ भी तुरंत ऐना के घर चला जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। ऐना बताती है कि वो सिद्धार्थ को पसंद करने लगी है, इसलिए उसने सिद्धार्थ को इस तरह से बुलाया। सिद्धार्थ को वो सेड्यूस करने लगती है और सिद्धार्थ ये देखकर वहां से जाने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वापस आता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब कुछ दिनों तक इनका अफेयर ऐसे ही चल रहा था। एक दिन जब सिद्धार्थ घर पर था तभी वहां पर सोनिया आती है। सोनिया बताती है कि उसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन चाहिए, और ये सुनकर सिद्धार्थ और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पेपर्स को साइन करने लगता है। लेकिन तभी सिद्धार्थ के मोबाइल पर एक कॉल आता है जिसे सोनिया रिसीव कर लेती है, और उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ को कोई लड़की कॉल कर रही थी। ये देखकर सोनिया काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। सिद्धार्थ देखता है तो वो ऐना का कॉल था। ऐना बताती है कि शायद वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो सिद्धार्थ को डॉक्टर के पास जाने के लिए बुला रही थी। वो सिद्धार्थ से कहती है कि ये उन दोनों का ही बच्चा है, क्योंकि ऐना और उसके पति के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था। सिद्धार्थ भी ऐना की बात मान लेता है और वो ऐना के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। वहां पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन साथ ही ऐना को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज, और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे किसी और हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन इस ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा होगा। डॉक्टर ऐना को बताते हैं कि उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। ये सुनकर ऐना काफी ज्यादा रोने लगती है। सिद्धार्थ उसे समझाने की कोशिश करता है कि ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐना सिद्धार्थ से कहती है कि अब वो सिद्धार्थ से कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सिद्धार्थ इस सब में फंस जाए। लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि वो बस रोमांस करने के लिए उसके साथ नहीं है, वो उसके सच में केयर करता है और चाहता है कि ऐना और उनका आने वाला बच्चा ठीक हो। इसलिए सिद्धार्थ कहता है कि
कि वो एना की ट्रीटमेंट करवाएगा, लेकिन एना कहती है कि वो बैंक से लोन लेगी जिससे वो अपनी ट्रीटमेंट करवाएगी। इसलिए वो सिद्धार्थ को लेकर अगले दिन बैंक में जाती है। वहाँ पर वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं, लेकिन दूसरे दिन उन्हें पता चलता है कि लोन उन्हें 6 महीने बाद मिल सकता है। जब एना ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो कहती है कि उसे लगता है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह पाएगी। सिद्धार्थ भी ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस बार वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता था। इसलिए सिद्धार्थ पुलिस स्टेशन जाता है और रात को जब सब लोग घर चले जाते हैं तो वहाँ के सारे पैसे निकाल लेता है। तब वो वहाँ पर एना को कॉल करके बुलाता है। वो एना को वो सारे पैसे देता है ताकि एना अपना इलाज करवा सके। एना सिद्धार्थ से पूछती है कि ये सारे पैसे क्या रेड में पकड़े हुए पैसे हैं, तो सिद्धार्थ इस पर हाँ कहता है। सिद्धार्थ कहता है कि पता नहीं ये केस कब क्लोज होगा, तब तक ये सारे पैसे उसी के कबर्ड में रहेंगे। इसलिए सिद्धार्थ चाहता है कि एना इन पैसों से अपना इलाज करवाए, जिस पर एना पूछती है कि अगर बीच में ही पैसे गवर्नमेंट को देने पड़े तो सिद्धार्थ कहता है कि वो अपना घर बेचकर पूरे पैसे चुका देगा, लेकिन वो चाहता है कि एना ठीक रहे। सिद्धार्थ जानता है कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी ये पैसे नहीं मांगेगी, क्योंकि केस काफी समय तक चलता रहता है, जिसके बाद एना वो पैसे लेकर चली जाती है। दूसरे दिन से सिद्धार्थ उसे कॉल करने लगता है, लेकिन एना उसका कॉल नहीं उठा रही थी। सिद्धार्थ को लगता है कि शायद एना का हस्बैंड होगा जिसकी वजह से वो कॉल नहीं रिसीव कर रही होगी। तभी उसे रात को पता चलता है कि एना के घर को आग लग गई है। सिद्धार्थ जब वहां पर जाता है तो पूरा घर जल चुका था। उसे पता चलता है कि एना और उसका हस्बैंड दोनों ही उस आग में मारे गए थे। ये देखकर सिद्धार्थ काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है या मर्डर। तभी उसे एक और झटका मिलता है जब वो सोनिया को वहां पर देखता है। एक्चुअली सोनिया ने अपना जॉब वापस ज्वाइन कर लिया था और अब वही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली थी। सिद्धार्थ जब सोनिया को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर एना और सिद्धार्थ के बारे में सोनिया को पता चल गया तो पता नहीं सोनिया क्या सोचेगी। इसलिए सिद्धार्थ बहुत ज्यादा डर गया था। सोनिया सिद्धार्थ से कहती है कि ये एरिया सिद्धार्थ के अंडर आता है, लेकिन सोनिया को यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया था। इसलिए सोनिया सिद्धार्थ से कहती है कि उन दोनों को साथ में इस केस को सॉल्व करना चाहिए, और सिद्धार्थ भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद सिद्धार्थ और सोनिया दोनों ही पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। रास्ते में वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। सोनिया पुलिस स्टेशन जाने पर सबसे पहले वो एना और उसके हस्बैंड के बारे में सारे डिटेल्स निकालने के लिए कहती है। तब उसे पता चलता है कि एना और उसका हस्बैंड 1 महीना पहले ही गोवा आए थे, जिसके बाद सोनिया एना जहाँ पर काम करती थी वहाँ पूछताछ के लिए जाती है। वहाँ पर उसका बॉस बताता है कि एना को अचानक पता चल गया कि उसे कैंसर है, इसलिए उसने जॉब छोड़ दिया था। लेकिन उसकी एक कलीग बताती है कि उसे डाउट था कि शायद एना का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, और ये बात सुनकर सिद्धार्थ काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी पोल खुल जाएगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि एना का बॉयफ्रेंड था कौन, और ये सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन वो बताती है कि एना अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बैंक गई थी, जिसके बाद सोनिया उस बैंक के मैनेजर से मिलने जाने वाली थी। तब भी सिद्धार्थ बैंक मैनेजर को कॉल करने का नाटक करता है और सोनिया को बताता है कि एना वहां पर अपने पति के साथ गई थी। जिसके बाद एना पुलिस स्टेशन आती है और एना के कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में पता करने के लिए कहती है। जिसके बाद सोनिया सिद्धार्थ को लेकर एना के डॉक्टर से मिलने जाती है, लेकिन वहां पर कोई और ही डॉक्टर थी जो बताती है कि एना को कैंसर नहीं था। और ये बात सुनकर सिद्धार्थ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जब वो डॉक्टर बाहर जाती है तो सिद्धार्थ उसे जाकर पूछता है कि क्या एना प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर बताती है कि एना प्रेग्नेंट नहीं थी। ये सब सुनकर सिद्धार्थ काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। तभी उसे पता चलता है कि सोनिया ने एना के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। सिद्धार्थ समझ जाता है कि अगर सोनिया ने कॉल रिकॉर्ड्स देखे तो वो समझ जाएगी कि सिद्धार्थ ही एना का बॉयफ्रेंड था। इसलिए सिद्धार्थ उन रिपोर्ट्स को चेंज करवा देता है और सोनिया को पता नहीं चलता कि एना और सिद्धार्थ का अफेयर चल रहा था। तभी सिद्धार्थ का सीनियर ऑफिसर उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि जो भी पैसे उसने रेड में पकड़े थे उसे वो एक दूसरे ऑफिसर को दे दे, क्योंकि ये सारे पैसे उन्हें गवर्नमेंट को जमा करने थे। अब ये बात सुनकर सिद्धार्थ और बड़ी मुसीबत में फंस गया था, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। इसलिए अब सिद्धार्थ को कुछ भी करके एना और पैसों का दोनों का पता लगाना था। सिद्धार्थ अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करता है और उसे पता चलता है कि तावड़े नाम का आदमी था जो एना की मदद कर रहा था। सिद्धार्थ उसे वहां पर पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तावड़े सिद्धार्थ को पहले ही देख लेता है और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। यहाँ पर तावड़े के पास बहुत सारे पैसे थे, तो वही सोनिया को भी पता चल जाता है कि तावड़े इस सब में इन्वॉल्व था, क्योंकि उसे एना के कॉन्टैक्ट लिस्ट से उसका नंबर मिल गया था। जिसके बाद वो भी वहां पर पहुंचती है, लेकिन तब तक सिद्धार्थ ने तावड़े को मार दिया था। इसलिए सिद्धार्थ वहां से भाग जाता है,
क्योंकि अब सोनिया उसे अरेस्ट करने वाली थी। तभी सोनिया को पता चलता है कि सिद्धार्थ ही ऐना का बॉयफ्रेंड था और सिद्धार्थ ने ही अपने बहुत सारे पैसे ऐना को दिए थे और वो सारे पैसे रेड में मिले हुए थे। इसलिए सोनिया को ऊपर से ऑर्डर मिलती है कि वो सिद्धार्थ को अरेस्ट करे, क्योंकि सिद्धार्थ ने वो पैसे गवर्नमेंट को नहीं लौटाए थे। जिसके बाद सोनिया सिद्धार्थ को ढूंढने लगती है। तभी सिद्धार्थ को ऐना का कॉल आता है जो बताती है कि वो जिंदा है और उसके पति ने उसे बांध कर रखा है। ये सुनते ही सिद्धार्थ ऐना को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। ऐना बताती है कि ये सब उसके पति का नाटक था ताकि वो ऐना के इंश्योरेंस के पैसे ले सके। सिद्धार्थ वहां पर उसके पति को पीटने लगता है। तभी वहां पर ऐना आती है और अपने पति को शूट कर देती है। सिद्धार्थ पुलिस को कॉल करके बुला रहा था कि ऐना ने सेल्फ डिफेंस में अपने पति को मारा है, लेकिन ऐना कहती है कि उसने सेल्फ डिफेंस में नहीं मारा, वो अपने पति को मारना चाहती थी और अब वो सिद्धार्थ को मारना चाहती है क्योंकि ऐना को बस उसके पैसे चाहिए थे। एक्चुअली जब सिद्धार्थ ने तावड़े को मारा था तो उसके पास जो पैसे थे वो लेकर वो भाग गया था। इसलिए ऐना ने सिद्धार्थ को कॉल करके अपने पास बुलाया ताकि सिद्धार्थ के पास जो पैसे हैं वो उसे ले सके। सिद्धार्थ उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन ऐना उसे शूट करने वाली थी कि तभी वहां पर सोनिया आती है और वो ऐना को शूट कर देती है। ये देखकर सिद्धार्थ सोनिया को थैंक्स कहता है और वो जानता है कि सोनिया अब उसे अरेस्ट कर लेगी। सोनिया उसे पूछती है कि पैसे कहाँ पर हैं, तो सिद्धार्थ उसे सारे पैसे दे देता है। जिसके बाद सोनिया उन पैसों को जेम्स को दे देती है और जेम्स जाकर वो पैसे उस ऑफिसर को दे देता है। और सोनिया सबको बताती है कि ऐना और उसके पति ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए ये सब फ्रॉड किया था। उन्होंने अपनी फेक डेथ दिखाई ताकि उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल सके, लेकिन जब सिद्धार्थ को उनका पता चला तो वो उन्हें पकड़ने आए, लेकिन ऐना और उसके पति ने सिद्धार्थ को मारने की कोशिश की, इसलिए सिद्धार्थ ने ऐना के पति को मार दिया। और जब ऐना सिद्धार्थ को मार रही थी तो सोनिया ने ऐना का एनकाउंटर कर दिया। जब सिद्धार्थ ये सुनता है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि सोनिया ने उसे इस बार भी बचा लिया था। जिसके बाद सोनिया डिसाइड करती है कि वो अब वापस कभी सिद्धार्थ की लाइफ में नहीं आएगी, लेकिन वहां पर सिद्धार्थ आता है और उससे माफी मांगता है। जिसके बाद सोनिया भी उसे माफ कर देती है क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से अभी भी बहुत प्यार करते थे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जहर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।